अरबपति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खरीदने के फैसले को फिलहाल के लिए होल्ड पर डालने के बाद ट्विटर के शेयर में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। अमेरिकी शेयर बाजार के खुलने से पहले प्री मार्केट ट्रेडिंग में ट्विटर का शेयर 17.7% गिरावट के साथ $37.10 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के ऐलान के बाद ट्विटर के शेयर को सबसे निचला स्तर है। इससे पहले एलन मस्क के ट्वीट कर कहा है कि ट्विटर डील अभी अस्थायी तौर पर होल्ड पर है। इसके पीछे उन्होंने स्पैम और फेक अकाउंट का जिक्र किया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि स्पैम और फर्जी खातों से जुड़े ब्यौरा इस सौदे को जारी रखने के लिए कितना बड़ा जोखिम खड़ा कर सकता है। इससे पहले टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदने का फैसला किया था। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनके पास $257 अरब की संपत्ति है। आपको बता दें कि एलन मस्क इस डील को पूरा करने के लिए पैसे भी जुटा चुके थे, होल्ड पर डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।